डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस MRI सेंटर GDMC देहरादून। वेलकम टू MRI सेंटर। चलो मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। हमारे साथ हैं वरिष्ठ रेडियोग्राफर सचिन वर्मा। हमारी मशीन कैनन की 160 स्लाइस। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज पांडे सर। से हाय। जो मेरा पहचान का है तो मैं उसको करवा रहा हूँ ना, तो जो ब्लड होता है जो पर्टिकुलर कोई चीज है उसके बारे में। सर बता रहे हैं कि ब्लड डोनेट करना तो स्वेच्छा से करनी चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार। तो आपने स्वेच्छा से ही तो करा, वो तो बाय चांस किसी में जान पहचान नहीं है, वो कोई पेशेंट है, उसका मेरे पास फोन आया, वही डिस्कस करो उसके थ्रू। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि वो मेरा कोई जानने वाला है, मेरा तो जानने वाला भी नहीं है, कौन है पता नहीं, वो उसकी हेल्प हो गई। लेकिन बेस्ट होता है वो चीज। बढ़िया। कितना यूनिट निकालेंगे? मैंने बोला था सुई बहुत मोटी होती है। ये खोलोगे नहीं? थोड़ा ढीला करते हैं, खोलते नहीं इसको। अच्छा, बस दबाव रहता है ना। अब ठीक है, टाइट तो नहीं ज्यादा? नहीं ठीक है। आ रहा है नीचे पाउच में, दिखाओ तो। कितनी देर में भर जाएगा? तो जिनको ब्लड चाहिए उनका क्या होना है? वो मिले आपसे? हाँ, नाम मेरे को लिखा दिया, नाम कोई आया तो था, लिखवा दिया नाम। हाँ हाँ लिखा दिया। अरे वो CA वाला पेशेंट है, कैंसर वाला है उनके फादर। अच्छा, तो उनके फादर को चाहिए ब्लड। ओके, हुआ नहीं जितना सुई का साइज देख के लग रहा था कि बहुत पेन हो रहा है। आपको काम तो नहीं है ना, जाना तो नहीं कहीं? हो गया 350? अरे हुआ। अच्छा, ऐसे गिलता भी है? देखो चल रहा है सर, इस तरफ ज्यादा ध्यान दो सर, साल लग हो गए तो और ज्यादा अच्छा है, दबाव पड़ता है सर। अच्छा मतलब
कितने टाइम बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं? जैसे आज किया तो नेक्स्ट कब कर सकते हैं? सर नेक्स्ट 3 महीने बाद। 3 महीने बाद जी। अच्छा, और हमेशा 350 ml ही लेते हैं? हाँ, 350 ml। वो जो यूनिट बोलते हैं, एक यूनिट ब्लड डोनेट, वो कितना होता है? वो भी इतना ही होता है, 350 ml। अच्छा, वो बोलते हैं एक यूनिट। एक यूनिट 350 ml। ओके जी। हाँ शिवम, सेकंड फ्लोर में जो राइट हैंड साइड वाला डिपार्टमेंट है, कौन सा है वो? मेडिसिन डिपार्टमेंट है, वहीं पर है। मेडिसिन या ऑर्थो के बगल में ही है यार। हाँ हाँ, वहीं पर है फिजियोथेरेपी भी। बस इतनी जल्दी? वो दिखाओ, मेरा ब्लड हो गया। और सर ड्यूटी कहाँ चल रही है सर? MRI। अच्छा सर, किसी पेशेंट को चाहिए था ना ब्लड, सुबह फोन आया था। अच्छा सर, सर का भी फोन आ गया डोनेट करने में। आ जाओ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? जाओ, इससे बढ़िया क्या? हाँ, 5-10 मिनट में आ। कैंप ही है सर आज। कैंप ही है? गरीब कैंप। अच्छा अच्छा, NSS की तरफ से। अच्छा अच्छा, जा रहा है। आपकी ड्यूटी यहीं रहती है? हाँ सर, मेरी ड्यूटी यहीं रहती है सर। इस पे टेप लगाएंगे या ऐसे? सर नहीं, अभी लगाएंगे सर। अच्छा। अभी 10 मिनट रेस्ट करो आप। ओके, चक्कर आ गए तो आपको? वही तो मैं डरता था हमेशा, ब्लड तो कर दूंगा डोनेट, पता चला। फर्स्ट टाइम कर रहे ब्लड डोनेट? फर्स्ट टाइम। ओके, ब्लड डोनेट तो कर दूंगा, पता चला फिर बाद में मुझे खुद को ब्लड की जरूरत पड़ गई। नहीं नहीं, पर करना चाहिए ब्लड डोनेट। बड़े लंबे टाइम से सोच करता था। देखो आज जब डिसाइड किया डोनेट करने का, कि जरूरतमंद को मॉर्निंग में ही, मतलब एक कोइंसिडेंस है कि सुबह उसका फोन आया और आपका थोड़ी देर बाद फोन आ गया कि मैं कर देता हूँ। सेम ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप। अरे वाह सर, सर आप भी लोगे? ना ना, मैं कुछ। अरे दे दो इनको, अरे ले लो, यही है मेरे मोटिवेशन। हाँ दे दो इनको। हमारे कैमरामैन साहब, ये देखो यहाँ पे, ये भी मिलता ब्लड डोनेट करने से। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए अगर जूस पीना है तो। हाँ जी हाँ जी, इनके बगैर तो मेरी गाड़ी अंदर नहीं आती सर। यहाँ बिल्कुल सिक्योरिटी वाला रोक देता मुझे हर बार। मैंने कहा इससे पहले मुझे रोक दे, मैंने दूसरी नमस्ते कर दिया उसको। तो मुस्कुरा रहा था। ठीक है,